शिवपुरी के पास ही एक स्थान है, वहां बिहारी जी का मंदिर है बहुत प्यारा। तो वहां एक मंदिर के कुछ दूरी से ही एक वृद्धा रहती थी। घर में कोई नहीं था, अकेली बेचारी अपना जीवन व्यतीत करती थी, पर जायदाद बहुत थी, खूब सारी जायदाद। तो अपना जीवन भी महाराज दुकानदारी करके ही बिताती थी, पकौड़े आदि बेचना या कोई। तो देखिए भक्त के लिए ठाकुर जी क्या क्या नहीं करते। जीवन में भक्त अगर भाव लगाता है तो ब्रह्म ज्ञानियों से ज्यादा अत्यधिक आनंद भक्तों ने पाया है, और ये कहना कदंचित अनुचित नहीं होगा कि इस कलयुग में जितने भक्तों ने भगवान को तरह तरह से प्रकट किया है ना महाराज, इतना आनंद तो ब्रह्म ज्ञानियों ने भी नहीं पाया है। तो यहां ये जो वृद्धा थी, एक दिन इसने स्वप्न देखा। ये बिहारी जी की सेवा करती थी, प्रतिदिन मंदिर जाती थी, दोनों टाइम भजन में समय व्यतीत करना, और जो समय बचता था वो दुकानदारी करती थी। खूब सारा पैसा हो गया। एक दिन रात्रि में सो रही थी तो इसे स्वप्न आया कि ये, इसने देखा सपने में ये मर गई और इसके पीछे इसके परिवार वाले रिश्तेदार लड़ रहे हैं जमीन जायदाद के लिए। 4 बजे का स्वप्न था, उठ गई, बहुत घबराहट होने लगी। इसे तब ख्याल आया मैं वृद्ध हो चुकी हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, मेरे परिवार रिश्तेदार हैं, मैं मर गई तो मेरे जाने के बाद प्रॉपर्टी पर लड़ेंगे ये, क्यों ना मैं अपनी जायदाद बिहारी जी के नाम कर लूं। गई महाराज, सुबह ही गई, वहां महंत जी थे उस मंदिर के, उनसे कहती महाराज मेरी इच्छा है कि अपनी जायदाद मैं बिहारी जी को देना चाहती हूँ। महात्मा जी और वहां के आश्रम के लोग बड़े खुश हुए कि भक्तन बहुत ऐसा भाव आज तक किसने किया है महाराज, जीते जी अपनी प्रॉपर्टी को दान ठाकुर जी के नाम करके जा रही है। तो उसने अपने घर वालों को इकट्ठा किया जो उसके रिश्तेदार थे, रिश्तेदारों ने भी कहा कि जैसी तेरी इच्छा, तेरी संपत्ति, तू जो चाह वो कर। तो सभी ने कहा महाराज जब ये सारी अपनी संपत्ति दे रही है तो आप ही के आश्रम में एक कमरा दे देना, उसी में बिचारी अपना जीवन काट लेगी, नहीं तो कहां भटकेगी बिचारी। महात्मा जी ने कहा ठीक है, जब याने इतना सब कुछ बाकी बिहारी जी को दिया है तो हमारा क्या रहता, सब लोग रह रहे हैं ये भी रह लेगी। अमारत भक्तन अपने वहां घर से तो निकल करके ये आश्रम में आ गई। अब दोनों टाइम दुकान भी छूट गई, अब ठाकुर जी के समय ही सारा समय ठाकुर जी में ही कटे। अब वो क्योंकि पति नहीं था तो भगवान में पति का भाव रखती थी, क्या रखती थी, अब प्रभु में तो आप कोई भी भाव रख सकते हैं, मित्र का रख सकते हैं, भाई का रख सकते हैं, पिता का रख सकते हैं, जहां आपको कमी लगे, जिस रिश्ते की आपको कमी नजर आ रही है आप हरि को बना लें, पर कमी ये रहती भगवान निभाते तो पक्के वाले, जो आप वाले नहीं निभा सकते उससे आगे तक प्रभु निभा के लेके जाते हैं, लेकिन लोगों के मन में विश्वास नहीं रहता, अपने संसारिक रिश्तों पर इतना विश्वास, और इन्हें ये भी पता है कि ये कभी भी बदल सकते हैं। आप बताइए कौन सा रिश्ता नहीं बदलता, आज आपके अनुकूल है कल वही आपके प्रतिकूल हो जाएंगे, बदलते देर नहीं लगती, आपकी बस एक गलती, एक कहने का मौका चाहिए, रिश्ते बदल जाते महाराज। ये वृद्धा भगवान में अपना प्रेम भाव रखती थी। तो महंत जी प्रतिदिन दूध का गिलास उसे सांझ के समय देते थे कि भक्तन जी ये लो। तो ये दूध पीने के बाद कुतरती थी कुछ, दूध पीने के बाद दांतों से कुतरती थी कुछ। तो महंत जी ने कहा भैया तू क्या खाती है दूध पीने के साथ साथ, बोलती आप बहुत ज्यादा मेवा मिला लाते हैं। कहने लगे भैया मेवा कहाँ थे, ठाकुर जी का ही भोग लग रहा, बहुत बड़ी बात है, हम काहे को मेवा देंगे। लेकिन जब देखते हैं गिलास में महाराज मेवा भरी हुई थी,
एक दिन देखा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा कि मेवा दूध के बाद वो लेकर आते थे भर के सादा, लेकिन जब भक्तन को देते थे तो मेवा भरी रहती थी उसमें। दिन के भोजन में दाल सादा होता था, लेके जाते थे भक्तन के लिए, जब देते थे तो घी तैरता था उसमें। उन्हें लगा शायद ये चोरी करती है, क्योंकि मंदिर में घी जो रखा था वो खाली होता जा रहा है, मेवा रखी थी वो खाली हो रही है। एक बार महंत जी ने कहा देखते हैं चोरी तो नहीं करती है। सबको बिठा दिया, रात्रि रात्रि भर जाग के देखें पर महाराज भक्तन तो अपने कमरे में ही रहे, बाहर ना निकले। पर वो क्रिया बार बार चालू थी कि दूध में मेवाएं निकलती थी, सबके लिए दाल बराबर में दी जाती थी, पर उसकी दाल जब डाली जाती थी उसमें घी तैरता था। तो ये माजरा समझ नहीं आया, लेकिन जब सेवा करने के लिए ठाकुर जी की स्नान कराते थे तो देखते थे ठाकुर जी के दोनों हाथ घी में डूबे हुए हैं, घी से सने हुए थे, पटका घी से सना हुआ है। अब तो महंत जी को लगा अच्छा, अब उन्हें चिढ़ हो गई भक्तन से, महंत जी को। उन्होंने फिर गांव में अफवाह फैला दी, इस भक्तन ने कोई दूसरा इंसान के साथ अपने संबंध बना लिए। अब स्त्रियों की तो है ही महाराज, एक कुछ पता चले 10 जगह खबर फैला के आमे, इतने बड़ा प्रचार करने वाला कौन होगा, कोई बिना पैसा को एडवर्टाइजमेंट। अब महाराज पूरे गांव में जब भी वो भक्तन निकले बाग के सामने, महाराज सारी महिलाएं हंसे। वो कहते अब होता है ना, एक तो होती है सामान्य हंसी, एक होती है जलाने वाली हंसी, होती कि नहीं होती, आपको पता चल जाता है ये आदमी कैसे हंस रहा है, ये जला कर हंस रहा है, या कुछ हमारे प्रति कुछ कुदृष्टि करके हंस रहा है। तो भक्तन ने पूछा अरे मैया तुम क्यों मुझ पे हंसती हो, कोई बात है? तो वो कहती है कैसे कोई करता है, पति मर जाने के बाद आश्रम में रहने को बोल दिया तो तुम इतनी स्वतंत्र हो गई, स्वच्छंद हो गई, जब तैने वहां पर जाकर के कोई दूसरा इंसान कर लिया। तो भक्तन को बहुत बुरा लगा, वो बहुत रोई, उसने अपने गांव वालों को इकट्ठा किया, उन्होंने कहा महंत जी मुझ पर बेकार का ही दोष लगा रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। गांव वालों के सामने रोई, रिश्तेदारों के सामने रोई, सबको विश्वास भी नहीं हुआ, ऐसा ये कर ही नहीं सकती, इसके तो चरित्र में ऐसा कभी नहीं था। तो बड़ी शांत और बड़ी पवित्रता से अंदर रहती थी। महंत जी के पास आई, बहन जी उस समय मंदिर के बिल्कुल सामने दरवाजे पर बैठे थे। अब इतनी सारी भीड़ को देख के महंत जी ने कहा आज कौन सा दिन है भैया, इतनी सारी भीड़ चली आ रही, कोई कथा वथा भी ना है, पूरा गांव कैसे आ रहा है, कोई उत्सव है क्या, हमको पता नहीं था। लेकिन देखा भक्तन भी सामने से चली आ रही, समझ गए यही सब को इकट्ठा करके लेके आ रही है, कोई ना कोई बात है। सभी गांव वालों ने कहा महाराज आप कि आप, हमने इस भक्तन को छोड़ा, इसने अपनी पूरी जायदाद ठाकुर जी के नाम कर दी, आप इस पर झूठा दोष लगा रहे हो कि इसका कोई संबंध है किसी पुरुष से। तो महात्मा जी कहते हाँ क्या बुरा कहा मैंने, सच में इसका संबंध है, पर पुरुष से इसका संबंध है। बोले किससे संबंध है इसका, बताओ वो पुरुष कहाँ है। महंत जी कहने लगे जो बिहारी जी है वही इनके पर पुरुष हैं, उनके साथ संबंध है आपको, हमें आज तक 50 साल में कबू घी की रोटी नाए दही और याको भर भर के दाल में घी पहुंचाते हैं, सुबह से शाम तक दोनों समय देखते हैं इनके हाथ घी में डूबे हुए मिलते हैं, इनको स्नान करते हैं कराते हैं तो घी में इनके हाथ डूबे हुए मिलते हैं, सारी मंदिर की मेवा निकाल के भक्तन को खिला दी, हमें आज तक कछु ना ही पूछो, हमें चिढ़ होती है इससे। सभी ने कहा महाराज ये अब भक्तन को आप आश्रम से स्वतंत्र कर दो, ये ऐसी देवी है कि जाके स्वयं ही ठाकुर जी इतना ख्याल रखते हैं, तो ये गांव में एक एक घर में जिस जिसके यहाँ रुकेगी एक एक दिन वो सब इसकी सेवा करेंगे।
पर भक्तन ने कहा, मैं कुछ दिन आश्रम और रुकना चाहूंगा, फिर जैसी आपकी इच्छा हो वैसे मैं सबके यहां से एक एक दिन या कुछ मांग कर खा लिया करूंगी, मेरी चिंता मत करो। और भक्त का भाव होता है ना, जब वो देखता है कि उसके लिए हरि इतना स्नेह इतना प्रेम करते हैं, तो भक्तन अपनी कुटिया में आ जाती है। उसको विश्वास भी नहीं था कि उसके लिए हरि इतना सब कुछ कर रहे थे। रोने लगती है, रात्रि के समय उसे निद्रा नहीं आई, दिन में नींद नहीं आई, उसने कुछ नहीं खाया। महात्मा जी दूध देने जाते वो नहीं लेती, भोजन देने जाते भोजन नहीं लेती, और प्रभु के लिए रोती, हरी मेरी वजह से आप पे इल्जाम लगो कि आप चोरी करते हो, मेरे लिए आपने इतना कष्ट देखो, पर जब मैंने आपके हाथों से खाया है और आप मुझे खिलाते हैं, तो अब मुझे भिखारी नहीं बनना कि जगह जगह मुझे खाना पड़े। आप ही के हाथों से प्रसादी पाई है तो जीवन भर अपने में लगा कर रखो। मेरे जीवन को ऐसे मत बनाइएगा कि मैं जगह जगह मांगूं। ठीक 4 बजे वो मंदिर के सामने खड़ी थी, दरवाजे लगे थे बांके बिहारी जी के, खुल गए, प्रकाश हो गया, महंत आदि उनकी निद्रा खुली, गड़गड़ाहट सुनकर के क्या खुला, तो उन्होंने देखा कि वहां मंदिर के प्रांगण में प्रकाश और भक्तन खड़ी हुई है। सब दौड़े, अरे देखो देखो भक्तन के सामने प्रकाश हुआ, कुछ हुआ, दौड़ कर आए, देखा ठाकुर जी कि मंदिर में प्रकाश हो रहा है, और महाराज वहीं की वहीं वो भक्तन ठाकुर जी का दर्शन करके अपने प्राणों को भगवान में ही लीन कर देते हैं। ये सत्य घटना है यहाँ कि भगवान ने उसे वो परम सुख वो दर्शन दे दिए और अपने में ही लीन कर लिया, जैसे मीराबाई को किया। फिर जब चित्तौड़ में चित्तौड़ वालों ने अपमान किया मीरा का, तो बुरी करनी का हमेशा भक्त को परेशान करना करे कोई तो उसका भोगना पड़ता, तो चित्तौड़ उजाड़ हो गया एक भक्त के अपमान के कारण हुआ, तो कितना कुछ संघर्ष करना पड़ा। बाद में जब लोगों को समझ आया कि एक भक्त का अपमान है और इसके कारण चित्तौड़ में आए दिन संकट आ रहे हैं, तो मीरा को लेकर आओ, अगर मीरा के चरण दोबारा पड़ गए तो चित्तौड़ में शांति होगी, अन्यथा आक्रमणकारियों के द्वारा कुछ ना कुछ अहित होता रहेगा। मीराबाई को लेने के लिए गए लोग, द्वारिका में मिली, तो जब बारी आई, 2 बार लौटा दिया मीराबाई ने, इस बार ब्राह्मणों को भेजा, ब्राह्मण आग्रह करने लगे हम प्राण छोड़ देंगे यदि आप नहीं जाएंगी, तो वो देखती हैं, कहती हैं मुझे कुछ समय का, मैं अपने द्वारिका से आखिरी बार मिल रही हूँ द्वारिका नाथ से, आप कुछ देर बाहर रहिए फिर मैं आपके साथ चलूंगी, और वहां जाकर रो देती, कब तक भटका हो, हर जगह तो भटकी हूँ, अब तो अपना लीजिए। और उसके बाद सबके देखते देखते वही मीराबाई ने अपना ठाकुर जी में ही अपने प्राण लीन कर दिए, हरि ने उन्हें अपना साक्षात्कार दे दिया, उन्हें था प्राप्त था पहले से, लेकिन सौ शरीर नहीं मिली थी, तो आज मिल गई। भक्त के लिए प्रभु क्या, आपकी भावनाएं प्रबल हो तो इसी कलयुग में प्रभु दर्शन देते हैं, और कहते हैं जो दर्शन कर लेता है ना महाराज, फिर उसे संसार की चकाचौंध रहती नहीं है। इसलिए साधारणता भगवान आपको दर्शन नहीं देते, क्योंकि आप सहन नहीं कर पाओगे भगवान के तेज को, भगवान के आनंद को, हमारी काबिलियत नहीं है, हम में उतनी ही क्षमता है, कितना सुख भोग सकते हैं कितना दुख भोग सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा सुख दुख भोग लिए तो आपका वही हार्ट फेल है, वही आप मूर्छित हैं। कईयों को ज्यादा दुख समझ में आ जाए, ज्यादा दुख मिल जाए तो वही की वही बेहोश हो जाते हैं, कईयों को ज्यादा खुशी मिल जाए तो हार्ट फेल हो जाते हैं। इसलिए भगवान नपा तुला आपको सुख दुख देते हैं, ज्यादा नहीं देते, ज्यादा मिल जाए तो आप घबरा कर वहीं मर जाओगे। तो भगवान का आनंद, सृष्टि के पालनकर्ता का आनंद तो उससे भी अपार है जो हम कोई सहन नहीं कर सकता, जिसके अंदर वाकई प्रभु को प्राप्त करने की भक्ति है,
उसका मन शुद्ध है, अंतकरण में इतनी जगह उसने बनाई हुई है, तो वो दर्शन कर लेता है। हरि उसे दिखाते रहते हैं अपना दर्शन, अपनी अनुभूति, अपना